4.1. अच्छा, पहली एंट्री है, अच्छा पहले तो स्टार्टेड बिजनेस वर्थ क्या है 16,000, तो उसकी एंट्री क्या होगी? ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहले एंट्री हो गई, क्लियर। सेकंड, बॉन्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, इसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री बनेगी सेकंड के डबल एंट्री क्या होगी? परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा ना। एक्सपेंस इंक्रीज लाइबिलिटी इंक्रीज। थर्ड, पेड रेंट बाय कैश। अब रेंट क्या है? एक्सपेंस, एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस इंक्रीज होंगे और कैश आपका डिक्रीज हो जाएगा। एक्सपेंस इंक्रीज एसेट डिक्रीज। अच्छा, अब एक्सपेंस के लिए रूल क्या है? एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो डेबिट में हम लिखेंगे रेंट एक्सपेंस डेबिट होगा और कैश क्रेडिट। एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। ठीक है, फिफ्थ, बल्कि फोर्थ है ना। अच्छा, फोर्थ की एंट्री क्या होगी? ये तो पुरानी ट्रांजेक्शन है, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। सो नेक्स्ट, डायरेक्शन जरूरी नहीं है। तो फिफ्थ की एंट्री बताएं क्या होगी? फिफ्थ पुरानी ट्रांजेक्शन है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। कैश रखा था बैंक में, डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक इसमें इंक्रीज हो डेबिट गया डेबिट और कैश कम हो गया। अच्छा, फिर हो गया अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। फिफ्थ हो गया अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और कैश सेल्स क्रेडिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेवन। अच्छा, स्टेशनरी क्या होती है? होती क्या चीज है स्टेशनरी? पेन, पेंसिल, पेपर वगैरह सारे। अच्छा, अब हमने स्टेशनरी बाय कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट्स आएंगे, इसके इफेक्ट बताएंगे, इफेक्ट क्या होंगे? पहले इफेक्ट बता दें। एसेट इंक्रीज होगा, एसेट डिक्रीज होगा? नहीं, वो फर्स्ट ईयर में होता है। हाँ, वो सही है, आप अपनी जगह। देखिए, स्टेशनरी तो हम लेते हैं एक्सपेंस में, स्टेशनरी पेन पेंसिल वगैरह खरीदते हैं, यूज हो जाती है, खत्म, तो ये एक्सपेंस में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सपेंस इंक्रीज होंगे और बैंक डिक्रीज होगा। अच्छा, तो आप लिखेंगे स्टेशनरी डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो ये ठीक है, ये हो जाएगा एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट एसेट डिक्रीज क्रेडिट, लिख सकते हैं। अच्छा, अब आ जाएं 11, कैश सेल्स। करके इसने क्या किया, यहाँ सेंटेंस शॉर्ट कर दिया है, इसका फुल होता है कि बॉस सोल्ड गुड्स फॉर कैश, उसको शॉर्ट में कैश सेल्स लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 28 पे लिखा है कैश परचेज, उसका मतलब है बॉट गुड्स फॉर कैश, शॉर्ट फॉर्म कैश परचेज। अच्छा, अभी हमने गुड सेल किए कैश पे, तो एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट हो जाएंगे, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। नेक्स्ट 14, रिटर्न गुड्स बाय अस टू डब्ल्यू या। अच्छा, हम रिटर्न कर रहे हैं, वो हमें रिटर्न कर रहा है, हम रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न बाय आसेट, हम रिटर्न कर रहे हैं, इसकी डबल एंट्री क्या होगी? पहले हमने बाय की होगी ना,
हाँ ठीक है, सेकेंड को अपनी गुड्स बाय की थी, आप रिटर्न कर रहे हैं, अकाउंट्स पेबल डेबिट डेबिट, परचेज रिटर्न, क्रेडिट रिटर्न। ठीक, डेबिट क्यों आई? अच्छा जी, अब रिटर्न क्यों कर रहे हैं? रिटर्न क्यों कर रहे हैं? पहले खरीदे होंगे, यहाँ था सेकंड पे, यहाँ पे क्या था? परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज हुई। आप रिटर्न कर रहे हैं तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज तो डेबिट होगी, इसलिए तो इसलिए अकाउंट्स पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। ठीक, नेक्स्ट 17, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, एंट्री क्या होगी? अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। ठीक, नेक्स्ट 20, पेड फॉर रिपेयर्स टू बिल्डिंग बाय कैश, ऐसे बिल्डिंग रिपेयर करवाई, एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया और कैश डिक्रीज हो गया, एंट्री हो जाएगी रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। हेलो, जो के आपका नेक्स्ट अब है 22। अच्छा, इसमें क्या दिया हमको? रिटर्न गुड्स टू अस, अब वो हमें रिटर्न कर रहा है, इट मीन्स हमने पहले से गुड सेल की होंगे। यहाँ देखें नंबर 5 है ना, फिफ्थ मार्च गुड सेल की थी हमने, यहाँ क्या हुआ था? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे थे और इनकम भी इंक्रीज हो रही थी ना, अब उसने हमें गुड्स रिटर्न किए हैं, तो अब हमारे रिटर्न्स गुड्स रिटर्न हो गए, तो इनकम डिक्रीज हो गई और रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स कौन सा, वो भी डिक्रीज हो जाएंगे ना, कौन सी बढ़ गई? ये हाँ, यहाँ पे क्या हुआ था? रिसीवेबल इंक्रीज हुए तो रिटर्न के टाइम पर रिसीवेबल डिक्रीज होंगे, और सेकेंड हमने गुड सेल की थी, इनकम इंक्रीज हो रही थी, तो अब रिटर्न के टाइम पे इनकम डिक्रीज हो जाएगी। अब इफेक्ट क्या आएगा? इनकम डिक्रीज और रिसीवेबल्स डिक्रीज, एंट्री क्या बनेगी आप? इनकम डिक्रीज डेबिट, अच्छा डेबिट में लिखेंगे आप सेल्स रिटर्न और रिसीवेबल्स डिक्रीज होंगे क्रेडिट, इनकम डिक्रीज डेबिट एसेट डिक्रीज क्रेडिट। क्लियर? नेक्स्ट 27, इसके एंट्री होता है 27, ठीक, ठीक है,
अकाउंट्स पेबल डेबिट बैंक, अकाउंट्स पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। तो नेक्स्ट है 28, एंट्री क्या होगी? परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट 29, 29 वैन डेबिट बैंक क्रेडिट। ठीक है, वैन डेबिट बैंक क्रेडिट होता है। नेक्स्ट 20, 30 मोटर एक्सपेंस एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, कैश डिक्रीज हो रहे हैं, तो एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट मोटर एक्सपेंस और कैश डिक्रीज क्रेडिट। एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, कैश डिक्रीज क्रेडिट। नेक्स्ट 31, बॉट कंप्यूटर ऑन क्रेडिट। ठीक है, डबल एंट्री क्या होगी? कंप्यूटर की नेचर क्या है? एसेट है, इक्विपमेंट्स आपकी, एसेट इंक्रीज हो रहे हैं और क्रेडिट से बाय कर रहे हैं, तो लाइबिलिटीज भी अकाउंट पेबल है। 12, 30 अच्छा, तो एंट्री होगी एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट डेबिट में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे इक्विपमेंट्स के नाम से, अकाउंट्स बनेगा, और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्रेडिट अकाउंट्स पेबल। एसेट इंक्रीज डेबिट, लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। क्लियर? अब बैक कर देता हूँ, कॉपी कर ले आप लोग। फोर पॉइंट टू, अच्छा ये पहले टैली कर लें, चेक करें। वन टू थ्री, सेम ही आता है। नेक्स्ट 5, 6, 10 the next 12 or 18 18 समझा दे, तो वो गुड रिटर्न हो रही है ना। पहले देखें परचेज की होंगी हमने, क्या लगा इसमें क्या हुआ 18 में? हाँ ये 18, 2.2 है। हाँ गुड्स रिटर्न की है, पहले बाय की होंगी हमने, अच्छा ऊपर बाय कर, यहाँ सेकंड में हमने इससे गुड्स परचेज की, उस वक्त एंट्री बनी परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हुआ, अब रिटर्न कर रहा है उसी को रिटर्न, तो लाइबिलिटी आपकी कम हो जाएगी ना, जब बाय करेंगे तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी और रिटर्न करेंगे तो लाइबिलिटी डिक्रीज, तो लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट और गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो क्रेडिट। तो इसमें सर परचेज क्रेडिट होगा, अच्छा परचेज नहीं परचेज रिटर्न लिखेंगे, हाँ और अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा, तो सेकंड वाले की रिवर्स हो जाएगी। अच्छा इसमें 21
21 एक नई ट्रांजेक्शन है, ये समझ लें खास तौर पे साइंस बैकग्राउंड से जाए। अच्छा, रिसीव रेंट ऑफ 240 बाय चेक फॉर सबलेट ऑफ कॉर्नर स्पेस। अच्छा, तो हमने अपनी जो भी प्रेमिसेस थी बिल्डिंग उसकी कॉर्नर स्पेस किसी को रेंट पर दे दी, और अब हमें रेंट रिसीव हो रहा है। तो अभी हमारे लिए इनकम है एक्सपेंस, इनकम हो गई ना। अब हमने अपनी स्पेस किसी को रेंट पे दी तो रेंट हमें रिसीव हो रहा है, तो ये हमारे लिए इनकम है। अच्छा, रेंट रिसीव कर रहे हैं तो इनकम इंक्रीज होगी, और सेकंड क्या है, बाय चेक आ रहे हैं तो आपका बैंक इंक्रीज हो जाएगा, तो बैंक डेबिट होगा और इनकम इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट करें, इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। अब इसमें एसेट इंक्रीज हो रहा है, बैंक डेबिट होगा और इनकम इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट होता है रेंट इनकम। एसेट इंक्रीज, बैंक डेबिट, इनकम इंक्रीज, क्रेडिट, ये लिख लें आप लोग। क्लियर हो गया? नहीं, अभी इनकम है, देखिए पे करेंगे तो एक्सपेंस है ना, और रिसीव करेंगे तो, जैसे आपने गाड़ी ली रेंट पे, अब रेंट पे ही कर रहे हैं तो वो क्या आपके लिए एसेट, लाइव इनकम, एक्सपेंस। आपने रेंटा कार से कार ली रेंट पे तो एक्सपेंस हुआ ना। अब आपने अपनी कार किसी को रेंट पे दे दी, इनकम हो गई ना, ये इनकम होगी। जब रिसीव करेंगे तो इनकम, पे करेंगे तो एक्सपेंस, ठीक है, पे करेंगे तो एक्सपेंस और रिसीव करेंगे तो इनकम होगी। ट्वेंटी 30 समझाओ, इसमें क्या प्रॉब्लम? वेजेस क्या होती है? सैलरी होती है ना, सैलरी वेजेस, तो नेचर क्या एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, डेबिट, कैश डिक्रीज हुआ, तो वेजेस सैलरी दोनों एक्सपेंस हो गए। वेजेस का यू वर्ड यूज करते हैं जिसके लेबर के लिए, और सैलरी यूज होती है आपके एम्प्लॉयज के लिए, स्टाफ के। अच्छा, यहाँ तक 30 तक का प्रॉब्लम। अच्छा, लास्ट ट्रांजेक्शन भी इसमें चेंज, नई ट्रांजेक्शन है लास्ट 31। 31 में लिखा था प्रोप्राइटर टुक कैश फॉर हिज ओन पर्सनल यूज। अच्छा, ये प्रोप्राइटर कौन होता है? ओनर हो गया, ठीक है। अब ओनर ने हमने अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले, यानी कि आपने बिजनेस से कैश निकाला और घर ले गया पर्सनल यूज, घर के यूज के लिए। अब इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे? इफेक्ट बताएं पहले, इफेक्ट्स क्या होंगे ये बताएं, इंक्रीज डिक्रीज मतलब, वो तो बाद में, ऐसे डिक्रीज होंगे और इफेक्ट बताइएगा पहले, इफेक्ट क्या होगा? एसेट डिक्रीज हो गए, बिजनेस का कैश कम हो गया ना, एसेट डिक्रीज। सेकंड इफेक्ट, कैपिटल इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। पहली वाली ट्रांजेक्शन का इफेक्ट बताएं क्या होगा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन का इफेक्ट बताएं, इसके इफेक्ट क्या होंगे? एसेट इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज। देखिए फर्स्ट का इफेक्ट क्या होगा, एसेट इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज। आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसेट इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज। अब आप बिजनेस से पैसे निकाल के ले आए तो रिवर्स हो जाएगा ना, एसेट डिक्रीज, कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, कि जो पैसे आपने इन्वेस्ट किया था बिजनेस में उसमें से कुछ पैसे आपने निकाल दिए, तो कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। तो 31 का इफेक्ट क्या आएगा, एसेट डिक्रीज और कैपिटल डिक्रीज, ठीक है। अच्छा, एज पर रूल, रूल क्या है, कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, डेबिट, एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, क्रेडिट। तो एंट्री होनी क्या चाहिए इसकी, कैपिटल, डेबिट, कैश, क्रेडिट, ये एंट्री होनी चाहिए। सुनो, अभी होनी चाहिए, लिखी नहीं है मैंने, ठीक है। तो एज पर इफेक्ट, इफेक्ट क्या हो रहा है, कैपिटल डिक्रीज, कैश डिक्रीज। तो एज पर इफेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए, कैपिटल डिक्रीज, डेबिट, कैश डिक्रीज, क्रेडिट। तो कैश को तो हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन हम कैपिटल को डेबिट नहीं करते, इसकी जगह एक नया अकाउंट बनाएंगे और उसे हम नाम देंगे ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स के नाम से एक नया अकाउंट बनेगा और हम कैपिटल को डेबिट करने के बजाय
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अच्छा, कैपिटल को डेबिट क्यों नहीं कर रहे, नया अकाउंट क्यों बनाया? तो इसके रीजन से वही एक सेपरेट इंफॉर्मेशन। देखिए, कैपिटल अकाउंट से हमें ये पता चलता रहेगा हमने कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, और ड्रॉइंग्स अकाउंट से हमें ये पता चलेगा अब तक कितने पैसे हम बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाल चुके हैं। तो इसलिए दो अलग अलग अकाउंट बना लेते हैं ताकि दोनों चीजों की डिटेल्स अवेलेबल हो। कैपिटल अकाउंट से पता चलेगा कितने पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं और ड्राइंग अकाउंट से पता चलेगा कितने पैसे हम पर्सनल यूज के लिए निकाल चुके हैं। सर, अगर ये ड्राइंग अगर बिजनेस यूज के लिए निकाले तो तो ड्राइंग थोड़ी क्या रहेगी, कहाँ से निकालेंगे, कहाँ डालेंगे, ये बताएं। हाँ, पैसे निकालना है कहाँ भैया, बिजनेस यूज के लिए क्या होगा, बैंक से निकालेंगे। हाँ, बैंक से निकालेंगे पैसे और ड्रॉअर में लाके रख देंगे अपने, ये होगा ना बिजनेस। उसके लिए क्या होगा, बैंक से पैसे निकालेंगे और ड्रॉअर में लाके रख देंगे, ऐसे ही होगा। वो ड्राइंग नहीं होती ना बिजनेस, उसमें क्या होगा, या तो आप बैंक से निकालेंगे ड्रॉ करेंगे और ऑफिस में रख देंगे, तो वो तो होगा कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। जी उजल बात, हाँ बोले। हाँ बताता हूँ, यहाँ पर हमने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया ना, बिजनेस से कैश निकाला, घर लेके चले गए। ठीक, अच्छा ये भी तो हो सकता है कि आप बिजनेस से गुड्स लेके घर चले जाएं, जैसे आपकी मोबाइल शॉप है, घर में मोबाइल की जरूरत है किसी को, तो आप शॉप से मोबाइल लेंगे घर ले जाएंगे। आपका मेडिकल स्टोर है, घर में कोई बीमार हो गया तो अपने स्टोर से मेडिसिन निकालेंगे घर ले जाएंगे। कंप्यूटर शॉप है, घर में कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर उठाएंगे घर ले जाएंगे, ऐसे ही होगा। ठीक है, अच्छा तो आप गुड्स भी अपने घर ले जा सकते हैं पर्सनल यूज के लिए, फिर क्या एंट्री बनेगी, अगर कैश के बजाय गुड्स आप घर लेके जा रहे हैं, डेबिट तो ड्राइंग ही होगा। ठीक है, अब चाहे कैश लेके जाए या गुड्स लेकर जाए, तो आपका कैपिटल डिक्रीज होगा, डेबिट में तो ड्राइंग्स लिखेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे, गुड्स लेके गए, गुड्स लेकर गए, गुड जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मोबाइल शॉप है तो मोबाइल आपकी गुड्स हो गई ना, मोबाइल घर ले गए, तो क्रेडिट क्या करेंगे, जब हम गुड्स बाय करते हैं तो कैंसिल बनाते हैं, परचेजेस डेबिट, और वही गुड्स जब आप घर ले गए तो परचेजेस क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट डेबिट तो ड्राइंग ही होगा, क्रेडिट क्या होगा, परचेज आ जाएंगे ना, क्योंकि जब हम गुड्स बाय करते हैं तो हम लिखते हैं परचेजेस डेबिट, आप वही गुड्स आप घर ले गए तो परचेजेस क्रेडिट। तो कैश की जगह अगर गुड्स आ जाए तो आप फिर क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट कर। चलो जी, कॉपी कर लिया, ठीक है, यहीं पे ऑफ करते हैं। और अब क्वेश्चन दो, होमवर्क दो आपके, एक 3.3।